सबसे बड़े आतंकी हमले से दहल गई मुंबई, 80 से ज्यादा की मौत, सैकड़ों जख्मी, 11 पुलिस वाले भी शहीद, जवाबी कार्रवाई में कुछ आतंकी ढेर। अराउंड 10:15 यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अपेरेंटली इट इज अ टैक्सी, वो टैक्सी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ऐसी इंफॉर्मेशन है। पूरी तरह से टैक्सी खत्म हो गई थी और उसका जो मीटर बॉक्स था जो मैं ढूंढ रहा था ताकि मैं ये पता कर सकूं कि इसमें मीटर कितना घुमा है और आखिर यह टैक्सी कितना सफर तय करके आई है। तो ये खबर पाकिस्तान में बैठ के मिली है, इसलिए अहम थी कि इसकी इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है। Somebody is ready to die. It is really difficult to stop them. We want attack on Pakistan. It's enough now. We want a war with Pakistan. We want a war. It's enough now. It's enough. जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजरी, शीशा नीचे हुआ, गन बाहर निकाली और सारे रिपोर्टरों के ऊपर फायरिंग हुई। जो इलियास कश्मीरी है उनकी मुलाकात जो है उसामा बिन लादन से भी हुई थी और इन्होंने जो लश्कर तैयबा को अपने कुछ बंदे भी दिए थे। इंडिया में एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान में एंटी इंडियन इतना इन्वेस्ट किया गया कि अब जब भी कोई इस किस्म का क्लैश होता है तो दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो अपने स्टेट के नैरेटिव को बिलीव करते हैं। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.